धन आप लेके आए थे, ले जाएंगे नहीं। धन भगवान की सेवा में रखो। अगर इस बैंक में रखो 10% इंटरेस्ट देता है, अगर इस बैंक में रखो तो ये 25% इंटरेस्ट देता है। किस बैंक में रखेंगे? इस बैंक में रखेंगे नहीं, जो 25% इंटरेस्ट देता रखेंगे ना। अब बाबा ने कहा बच्चे धन न ले गए थे न ले जाएंगे, तो भगवान कभी लेता नहीं है, एक का पदम गुना बना के देता है, लेने वाला नहीं है देने वाला है। तो विश्वास रखे इस बैंक में रखो, ठीक है। अब एक प्रश्न है कि आप पूछेंगे कि अभी माता जी कहती है बुजुर्ग है, भाई जी मेरे तन से तो कुछ सेवा नहीं होती है, मैं औरों के द्वारा सेवा लेती हूँ, लेकिन मेरे पास धन है, मैं 10 लाख रुपया बाबा को देता है देती हूँ, क्या बाबा मुझे निरोगी काया वरदान देगा? अभी प्रश्न है ना। अब सोच के बताओ, माता जी कहती मैं बहुत बुजुर्ग हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, शरीर तो बहुत बुजुर्ग हो गया, हाँ या किसी सेवा नहीं कर सकती, तो लेकिन मेरे पास धन है, धन बाबा की सेवा में देता देती हूँ, क्या बाबा मेरा तन को निरोगी काया वरदान देगा? तो क्या करें, उपाय बताओ। अब माता जी तो कुछ कर ही नहीं सकती है, हाँ तो मनसा सेवा करें, मन निर्मल होगा तन तो नहीं होगा ना, तो उसका कोई उपाय बताओ। अभी भाई जी कहता है कि भाई जी मेरे पास तो कोई पैसे नहीं, धन ही नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन ये तन बहुत अच्छा है, बीमार नहीं, मैं 24 घंटा बाबा के तन यज्ञ की सेवा करता हूं, तो क्या मुझे बाबा धन देगा? सोच के बताओ, चुपचाप सुनना नहीं, आज प्रश्न पूछना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या इधर बैठे बैठे कई तीनों चक्कर लगाते हो, तो कुछ जवाब भी दे दो। हाँ अगर भाई जी कहता है भाई जी मेरे पास तो धन ही नहीं है लेकिन तन बहुत अच्छा है, तो इस यज्ञ की मैं सवेरे से रात तक जितनी सेवा करूं मैं करता हूं, तो क्या बाबा मुझे सारे कल्प के लिए श्रीमंत बनाएगा, ऐसा वरदान देगा? तो क्या उपाय कुछ है? कुछ उपाय पहले माता जी के लिए बताओ, फिर भाई जी के लिए बताओ। माता जी कहते मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं, तो तन से सेवा करेंगे, धन कहां से लेके आऊं? तो मांगना चाहिए, मांग के दे दो। आपने कह रहे भगवान के बच्चे मांगते नहीं, भीख मांग करके भगवान को दे दो नहीं, और कोई उपाय बताओ। अब भाई जी माता जी क्या करें, कहते मेरे पास धन ही नहीं है लेकिन मुझे सारे कल्प में गरीब नहीं बनना है, क्या भगवान कुछ मदद कर सकता है, कुछ उपाय बताओ। उपाय है किसी के पास? ज्ञान धन मिलने से वो धन आएगा, हाँ तो भी ठीक है, ज्ञान सुनाते हैं फिर भी धन भी चाहिए ना, अनाज लाना है, चावल लाना, सब्जी लाना है, पैसे तो चाहिए ना, वो कहां से आएगा? हाँ अभी उसकी युक्ति है, वो भी बाबा ने बताया, मुरली अगर अच्छी तरह सुनते हो सब पता चलता है, इससे मुरली ध्यान से सुनते हो तो पता है। देखो भाई जी गरीब है, कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, भंडारे में कुछ डाल ही नहीं सकता है, खाने के लिए नहीं है, तो क्या करे? तो वो उसका तन अच्छा है तो सेंटर में आके बहन जी को बताता है, माता जी बताती है दीदी मैं बहुत बुजुर्ग हूँ लेकिन मैं आपको सेंटर के सामने कोई वॉचमैन चाहिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, 2 घंटे बैठती हूँ, मुझे अनाज दे दो, मैं बैठे बैठे अनाज साफ करती हूँ, बाबा को भोग लगाने के लिए सब्जी चाहिए, सब्जी काटने के लिए मैं बैठे बैठे सब्जी काट के देती हूँ, कुछ तो कुछ बैठे बैठे भी कुछ कर सकते हैं ना। तो 1 घंटा 2 घंटा सारा दिन में अगर आपने तन भगवान की सेवा में लगाया, लगा सकते हैं ना। अभी ये भाई कहता है तन धन मेरे पास धन नहीं, तन अच्छा है तो क्या करे? हाँ बहन जी को इधर खेती में काम करने के लिए, सफाई करने के लिए, काम करने के लिए मनुष्य बाहर वाला तो बुलाना पड़ता है, 100 रुपया देना पड़ता है, भंडारे से पैसे निकाल के देना पड़ता है। भाई जी कहता है दीदी आप किसी को बुलाओ नहीं, मैं सब सेवा करूंगा, तो 100 रुपया जो भंडारे से देना पड़ता था तो उसके नाम से 100 रुपया जमा हो गया ना, समझ में आया? अभी माता जी कहती है मेरे पास कुछ धन नहीं है, मैं धन नहीं सकती हूँ, माता जी के घर में खेती है, खेती में सब्जी उगती है, तो दीदी को बताती है बहन जी आप मार्केट से सब्जी नहीं लाना,
भंडारी से पैसे निकालकर मैं रोज हमारी खेती में सब्जी बनती बाबा को भोग लगाने के लिए मैं ताजा ताजा रोज सब्जी लाके देता हूँ, है ना। एक महीने में 100 रुपया लगता है तो 100 रुपया इनके नाम से जमा हो गया, भंडारी में पड़ गया। और एक माता जी कहती है हमारे घर में गाय है, भैंस है, दूध है, रोज सेंटर में 1 लीटर दूध लेना पड़ता है ना, तो उसके लिए भी 100 रुपया भंडारी से निकालना पड़ता है। तो माता जी कहते हैं बहन जी आप रोज में 1 लीटर दूध ला के देते हो, धन की सेवा हो गई ना, तन की सेवा हो गई ना। नहीं तो तन ऐसी जगह माता जी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन घर में बैठे बैठे इधर आके 1 घंटा बैठो, सवेरे मुरली क्लास के लिए आई, सब्जी काट के दिया, अनाज साफ करके दिया, बैठे बैठे भी कुछ कर सकते हैं ना कि नहीं। हाँ, क्या कर सकते हो वो करो, धन नहीं है तन से सेवा करो, धन जमा होगा। हो सकता है ऐसा कि कटिए, समझ में आया, ऐसा नहीं करो मेरे पास धन नहीं है भगवान अपने आप देगा, नहीं उसके पास कुछ नहीं, जो करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसे करो, ठीक है, समझ में आया। अब एक